मुजफ्फरपुर नाव हादसा। प्रीत परिजनों से मिलने पहुंचे चिराग, कहा मुख्यमंत्री के अंदर संवेदना खत्म। मुजफ्फरपुर के गायघाट में आज सांसद चिराग पासवान पहुंचे। वो मधुरपट्टी गांव में नाव हादसे के प्रीत परिजनों से मिले। उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिया है। राज्य सरकार के खिलाफ जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यह बड़ी लापरवाही है। चिराग ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि इस हादसे का जिम्मेदार नीतीश कुमार है। गांव के लोगों को बुनियादी सुविधा नहीं मिल रही है। गांव को एक पुल की जरूरत है। इस गांव के लोगों के पास नेता आते हैं लेकिन कुछ करते नहीं है। उन्होंने कहा कि वह पुल बनवाने की बात सदन में उठाएंगे। नीतीश कुमार से बात भी करेंगे, इसके लिए चाहे जो हो जाए। चिराग पासवान ने कहा कि सीएम नीतीश के अंदर मानवीय संवेदना नहीं बची है। इतनी बड़ी घटना के बाद भी परिवार से मिलने के लिए नहीं पहुंचे। उन्होंने कहा कि बिहार के एक अधिकारी जो पटना में बीमार है, बीमार हो गए, उनके हालचाल जानने की फुर्सत नहीं है। वही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अंदर संवेदना खत्म हो गई है। राजनीति से उठकर इस विषय को देखने की जरूरत है। अगर ये राजनीति में ही ये विषय उलझा रह गया तो पिछले 75 सालों से जो इस गांव का हाल है वो अगले 75 साल तक ऐसे ही रहेगा, और ऐसे ही हमारे बच्चे नाव में बैठकर सवार होकर उस तरफ जाते रहेंगे और आए दिन हादसे होते रहेंगे। ये कोई पहला हादसा नहीं है, और भगवान ना करे पुल बनने से पहले अगर कोई और हादसा होता है तो कोई राजनीतिक दल, कोई नेता अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाएगा। ये यकीनन मेरे मुख्यमंत्री की संवेदनहीनता है। भाई उस दिन बताइए, आप यहाँ बगल में थे। मुख्यमंत्री जी, आपके आने से जो लोग गए हैं वो वापस नहीं आते, पर आपके आने से कम प्रशासन मुस्तैदी से कार्य करता। आप आते, इन परिवारों को हौसला मिलता कि जो बच्चे बच गए हैं या जो परिवार अब रह गए हैं कम से कम उनका भविष्य सुरक्षित होगा। क्यों? क्योंकि मेरे मुख्यमंत्री यहाँ पर आए, उन्होंने हमें वादा किया कि यहाँ से पुल बनाएंगे। किस रवैये से उन्होंने अपनी बातों को रखा कि हाँ हम डीएम को बोल दिए, वो देख रहा है। भगवान ना करे एक बार कल को अगर आपके परिवार के साथ ऐसा हादसा हुआ होता, क्या उस वक्त भी आप यही बोलते मुख्यमंत्री जी? आपके एक अधिकारी पटना के 5-स्टार हॉस्पिटल में एडमिट है, उनको देखने के लिए आप भागे भागे चले जाते, पर बिहार में आए दिन हत्याएं हो रही हैं, लोग मर रहे हैं एक परिवार से। इस न्यूज के प्रायोजक है मेम साहब लेडीज वेयर। एड्रेस सिटी सेंटर नियर ली शोरूम, सुभाष चौक, दरभंगा। नफीसा हज एंड उमराह ट्रेवल्स, हज उमराह ज्यारत 16 अक्टूबर 2023, अमाउंट 95,000, दिल्ली टू दिल्ली 15 डेज सऊदी एयरलाइंस। 10 नवंबर 2023, अमाउंट 95,000, दिल्ली टू दिल्ली 15 डेज सऊदी एयरलाइंस। 20 दिसंबर 2023, अमाउंट 95,000, दिल्ली टू दिल्ली 15 डेज सऊदी एयरलाइंस। 15 जनवरी 2024, अमाउंट 95,000, दिल्ली टू दिल्ली 15 डेज सऊदी एयरलाइंस। पैकेज इंक्लूजन एयर टिकट, उमराह वीजा, होटल, इंश्योरेंस, फूड, राउंड ट्रिप, ट्रांसपोर्टेशन बाई बस, जियारत, जमजम लॉन्ड्री। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, पासपोर्ट, दो पासपोर्ट साइज फोटो, पैन कार्ड। इस बार हज उमरा का प्रोग्राम ये है, 2 सितंबर को पहला ग्रुप जा रहा लगा 15 दिन के लिए, 16 सितंबर को वापसी होगी। 95,000 के पैकेज है और सारी सहूलत है इसमें, खाने से लेके लॉन्ड्री, इंश्योरेंस, ज्यारत, मक्के की, मदीने की, सब इंक्लूड है इसके अंदर। कहाँ कहाँ से लोग इसमें आते हैं जिनको? पूरे बिहार से हमारे पास है, किशनगंज, अररिया, कटिहार, सीतामढ़ी, पूर्णिया, सब जगह के लोग आते हैं दरभंगा के लिए। कितने वर्षों से आप कर रहे हैं ये? 15 साल हमारा हुआ, ऐसे तो हमारा 30 साल का एक्सपीरियंस है। 15 साल से ग्रुप लेके जाते हैं, साल में 5-6 ग्रुप जाता है हमारा, और साथ में हम खुद जाते हैं, सारा मेंटेनेंस रेजिमेंट हम खुद करते हैं, इसमें किसी इन्वॉल्व नहीं।